भाई द्विज, भैया द्विज, यम द्वितीया एवं भगवान चित्रगुप्त कलम दवात की पूजा 26 अक्टूबर को होगी या 27 अक्टूबर को। आप सभी को मेरा जय सियाराम। संगम की धरती प्रयागराज से मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह का प्रतीक भैया द्विज को भाई टीका, यम द्वितीया, भात्र द्वितीया आदि नामों से भी जाना जाता है। इस खास पर्व में बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई बहनों के पैर छूकर उपहार स्वरूप कुछ देते हैं। शास्त्र के अनुसार इस दिन यमदेव अपनी बहन यमुना के बुलावे पे उनके घर भोजन करने गए थे और तभी इस पर्व की शुरुआत हुई। तभी यमुना नदी में स्नान करके भाई अपने बहन के घर भोजन करने जाते हैं। इसी दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी होती है, कलम दवात की पूजा होती है। विद्या कलम की ताकत को बढ़ाने के लिए हमें भगवान चित्रगुप्त की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस वर्ष भाई द्विज और भगवान चित्रगुप्त की पूजा कब होगी, 26 या 27? मित्रों, सनातन धर्म में भाई दूज का पर्व बड़े ही विधि विधान के साथ मनाया जाता है और इसका बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में अन्य त्योहारों की ही तरह भाई दूज के पर्व का विशेष महत्व है। उसका कारण क्या है कि जो दीपावली पंच महापर्व है उनमें से एक पर्व भाई दूज भी है, जो कि कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष और द्वितीया को होता है। इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया कब पड़ रही है, यही संशय का विषय हो गया है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि का आरंभ 26 अक्टूबर को दोपहर 3:35 से आरंभ हो रहा है और समापन कब होगा, 27 अक्टूबर को दोपहर 2:12। ऐसी अवस्था में कुछ विद्वानों का मानना है कि 26 तारीख को ये पर्व मनाया जाए और कुछ का मानना है कि 27 अक्टूबर को। लेकिन एक अर्थ तो समझ में आ रहा है साफ साफ कि जो लोग 26 तारीख को यम द्वितीया, भाई द्विज और भगवान चित्रगुप्त की पूजा मना रहे हैं या करना चाहते हैं, वो 26 अक्टूबर को 3:35 दोपहर 3:35 के बाद बनाएं, उसके पूर्व नहीं मना सकते हैं क्योंकि परेवा लगा रहेगा। और जो लोग 27 को मनाना चाहते हैं वो दोपहर 2:12 तक मना लें, यानी सुबह से लेकर दोपहर 2:12 तक, तो भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी करना श्रेष्ठ होगा और भाई द्विज की पूजा, और कुल मिलाकर के 27 तारीख को ज्यादा श्रेष्ठ माना जा रहा है। और जितने भी काशी के पत्रा हैं, महावीर पंचांग, ऋषिकेश, गणेश थापा, ये सारे के सारे पत्रा 27 अक्टूबर को ही ये त्यौहार मना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे निवेदन कि इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। पुनः धन्यवाद आप सभी को मेरा, जय सियाराम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।